भाइयों उनकी बहनों कैसे हैं आप, तो स्वागत है आपका मेरे आपका हम सब चैनल फायर के। तो जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल में दोस्तों देख लिया, तो आज उसी जगह में जाने वाला है गैरेज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होगा जहाँ पे तुम्हें एक से एक चीज देखने को मिलेगा। तुम भी चाहो तो वहाँ पे अपना काम करवा सकते हो, अपनी गाड़ी वगैरह का। वीडियो को पूरा जरूर ना, वीडियो ये बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे को पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ लाते रहता है। बस तुम लोग ऐसे ही अपने ब्लॉग में सपोर्ट बनाए रखो, और चैनल पे नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को डिसलाइक कर दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए और इंटरेस्टिंग सब ब्लॉग सबसे पहले लाता रहूं। चलो दोस्तों बिना किसी देरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बूम। हाँ गाइस, तो मैं जो यहाँ पे गैरेज में आ चुका था, मैं तुम लोग को सारा कुछ दिखाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पे सारा गाड़ी वगैरह का काम होता है, वहाँ पे गाड़ी जो रेनोवेट गाड़ी का कलर हो रहा है, तो वो चीज़ मैं भी तुम लोग को दिखाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहो। तुम लोग देख रहे हो दोस्तों इस यहाँ पे काम जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सिक्योर तरीके से किया जाता है। यहाँ पे अभी इस कार का जो पेंटिंग यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि किया जा रहा है। रोशन कुमार जी का नाम है, जो की गैरेज के मालिक है, और यहाँ पे सारा कुछ गाड़ी का जैसे काम होता है। अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे कोई गाड़ी लाऊँ, जैसे एक्सयूवी हो गया या कोई छोटा मोटा गाड़ी, जैसे ऑल्टो अगर लाना है उसको पूरा ब्रांड भी बनाना है, क्योंकि बहुत दो चार साल पुराना गाड़ी, तो उसका कितना खर्च आएगा सारा कुछ करके एक ब्रांड वगैरह कर देते। देखिए गाड़ी को अच्छा लुक देने के लिए मेन चीज तो डेंट पेंट है। डेंट पेंट अगर गाड़ी नहीं रही, बहुत अच्छी कंडीशन रही, ज़्यादा डेंट गाड़ी में ना हुई तो 15-16 हज़ार पेंटिंग का थोड़ा बहुत डेंट भी उसमें होगा तो मैनेज कर लिया जाए। सारा कुछ आप लोगों ने सुना कि सारा कुछ थोड़ा बहुत मैनेज करके यहाँ पे पड़ रहा है, थोड़ा मान लीजिए कि 20,000 में आपका गाड़ी बिल्कुल ब्रांड बहुत मेजर है, बहुत मेजर अगर उसमें डेंट रहा तो 20,000 मैक्सिमम समझ सकते हैं। मिनी कोई छोटी गाड़ी ऑल्टो हुआ, हम बता रहे हैं ऑल्टो हुआ, स्विफ्ट हुआ, या छोटी गाड़ी में जो भी गाड़ी हुआ, वैगनार से लेकर के अल्टो में मिनी एसयूवी में जो भी आती है सारा गाड़ी हो जाएगा। और उसका भी काम हो जाएगा, अगर आपका टू व्हीलर है तो उसका भी काम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा फोकस यहाँ पे फोर व्हीलर का होता है। अगर आप लोग को भी फोर व्हीलर करवाना है, अगर आप लोग अगल बगल एरिया में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्ताना में पड़ता है, तब इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इनसे जो बात करके आप अपना गाड़ी का काम करवा सके। तो अगर मेरे व्यूअर्स आपके यहाँ तक आए, गैरेज तक आए इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, जब चैनल से सब्सक्राइब है और व्यूवर्स के थ्रू अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा तो उतना सा तो मैनेज किया जाएगा। आप लोग अगर आइएगा मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग जरूर आओगे। तुम लोग को ले जा रहा हूँ एक यहाँ पे गाड़ी दिखाने, जो कि बहुत बैड कंडीशन में उनका यहाँ पे सारा, मान लीजिए कि ये वाला जैसे गाड़ी है, तो इसका क्या क्या काम अभी होगा यहाँ पे? ये गाड़ी तो ऐसे आई थी डेंट पेंट के लिए ही, लेकिन ये बीच में कुछ इंजन का वैसा प्रॉब्लम है तो इंजन ठीक करके ही उसको दिया जाएगा, लेकिन ये गाड़ी आई थी डेंट पेंट के लिए। आप इसका पेंट तो बाहर तक फेंका हुआ है अभी गाड़ी के लिए, इसका पेंटिंग आपको क्वालिटी पता नहीं चल रहा है, लेकिन गाड़ी का पेंटिंग आपको एक बार गाड़ी यहाँ पर एक बार यहाँ आकर के विजिट करके देखिए। गाड़ी का जो मेन डेंट पेंट का जो काम है, यहाँ पे बहुत कम रेट में बहुत अच्छे क्वालिटी का पेंट होता है। ये गाड़ी भी डेंट पेंट के लिए ही आई थी, और ये गाड़ी ऐसे पूरा कंप्लीट डेंट पेंट है, सिर्फ पॉलिश बचा हुआ है, लेकिन अभी मैं वैसा कोई गाड़ी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ जिसमें मतलब कि गाड़ी में डेंट और पेंट की नीड है। जो भी गाड़ी है यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी कंप्लीट है। ये गाड़ी आप जैसे देख रहे हैं इसमें आपका पेंटिंग का काम हो चुका है, तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पेंटिंग जो कितना बारीक तरीके से और बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू जैसा शोरूम से आता है वैसा यहाँ पे पेंट हुआ है। तुम लोग को थोड़ा भी अंतर नहीं, और ये गाड़ी जो इसका कंडीशन अभी बहुत बुरा है, अगर ये जैसे तैयार हो जाएगा या फिर तैयार होने का प्रोसेस भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा गाड़ी लगी हुई है, जो कि डेंट पेंट और इंजन वगैरह जो गाड़ी का मैनुअल काम होता है वो यहाँ पे किया जाता है सारा कुछ A to Z। ये गाड़ी जो है बड़ी गाड़ी में आ जाती है, इसलिए इस गाड़ी का थोड़ा सा बजट जो है आपका छोटा गाड़ी से ज़्यादा रहेगा। ये गाड़ी आपका 20-22 हज़ार में फुल गाड़ी डेंट पेंट होगा दोनों चीज़। और इधर आप लोग स्कॉर्पियो भी देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो का भी जो अभी डेंटिंग पेंटिंग में ही लगा हुआ है, प्रोसेस में है। ये गाड़ी जो है ऐसे बेस कोट हो गई है, लेकिन मेनली ये मतलब डेंट पेंट के लिए ही गाड़ी आई, बाकी गाड़ी बिल्कुल वाला है, डेंट पेंट के लिए आई है। ऐसे बाहर से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी डेंट हो रखा है, और इसमें आपका पेंट जो है बेस कोट हो चुका है। ये गाड़ी भी जब कंप्लीट हो गई तो आपको वीडियो में डाला जाएगा, ये गाड़ी भी कंप्लीट हो गई तो वीडियो में डाला जाएगा। ये गाड़ी अल्टो K10 है, लेकिन ये गाड़ी की कंडीशन देखिए बाहरी पेंट हुई है, क्योंकि गैरेज में ही हुई है, लेकिन ये गाड़ी का जो पेंटिंग है बहुत ही रफ कंडीशन से पेंट कर दिया है, जैसे ये सारे मतलब एक में कलर कर दिया है, और पेंट भी बिल्कुल
बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का पेंट इसमें यूज किया गया है, जबकि ये गाड़ी वैसी नहीं है। ये गाड़ी आपको देखिएगा, ये तो गाड़ी पूरा मतलब धसना पड़ जाएगा, ये गाड़ी में ज्यादा काम हो गया, लेकिन बहुत ही इसको उसके बाद आपको हम वीडियो में इसे दिखाएंगे। बहुत ही चीप कलर से इसको, बहुत चीप तरीके से इसको पेंट किया गया। तो चलिए अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे फाइनल। तो ये पेंट जो है तुम यहाँ का इस गैरेज का देख सकते हो कि यहाँ का पेंट है, जो कि अभी सिर्फ फर्स्ट लेयर ही है। ये गाड़ी भी आपका अल्टो केटन है, ये गाड़ी भी 2010 मॉडल है, अभी गाड़ी डेंट पेंट के लिए ही गाड़ी आई थी। आप गाड़ी का पेंटिंग बिल्कुल देख सकते हैं, कैमरे में तो उतना फाइन आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो मतलब मेरा दोस्त जहाँ तक हो रहा है कोशिश कर रहा है दिखाने के लिए। ये गाड़ी का जो पेंटिंग है आप आ करके भी देख सकते हैं कभी, या मेरे यहाँ तो हर एक मतलब टाइम एक गाड़ी आपका पेंटिंग का रास्ता ही रहता है। आप ये गाड़ी को जहाँ तक होता है कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पेंट का जो ग्लॉस है ना वो आप देख लीजिए खूब अच्छे तरीके से, पेंट का ग्लॉस मेन की वही ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। देखिए हम आपको अपने गैरेज के मेन पेंटर से मिलाते हैं, वो हैं तो यहीं के लेकिन यहाँ पे रहते नहीं, वो ज्यादातर विदेश में ही काम किए हैं, 10 साल 12 साल उनका मतलब बाहर का ही एक्सपीरियंस है। उनको बहुत रिक्वेस्ट करने पे, उनको बहुत मतलब सिस्टमेटिक उसको बोलने पर वो यहाँ पे आए हैं, और जब से लॉकडाउन हुआ तब से वो यहीं काम कर रहे हैं। उनका पेंट, हम खुद एक मैकेनिक हैं और हमें उनका पेंट बहुत ज्यादा पसंद आया। आइए हम आपको अपने पेंटर से मिलाते हैं, उनका नाम मुख्तार है। देखिए आप शकल दिखाइए थोड़ा। हाय फ्रेंड्स, बोलिए। हाय फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यही है जो पेंटर है, जो देखने पर मत जाइए, ये जितने देखने में काला है लेकिन कलर इनका जो है ना उतना गोरा ही है। गाइस, तुम लोग इस कंडीशन से गाड़ी को अपने इस कंडीशन में चेंज करवाना चाहते हो तो इस गैरेज में एक बार जरूर विजिट करना। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सयूवी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ था। तो आ जाइए, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे भैया, ये भी यहाँ के ऑनर ही है, तो आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम रॉकी आनंद। तो आप इनके बारे में बात, और मैं आपको बताऊंगा, ये गाड़ी है महिंद्रा एक्सयूवी 500। इसका मैंने पूरा इंजन पर काम किया है। इसका इंजन कुछ दिन पहले हाफ इंजन का काम हुआ था, लेकिन कोई मिस्त्री सही मिस्त्री नहीं काम किया, इसलिए इंजन सक्सेस नहीं हो पाया, और मैंने इसका पूरा इंजन काम किया है। तो अब जाके इंजन पूरी तरह मैंने कम्प्लीट कर दिया है। अब ये इंजन का साउंड जो है जैसा न्यू एक्सयूवी का होता है वैसा साउंड है। तो आप लोग जैसा कि जान रहे कि यहाँ पे एक्सयूवी जो है कंडीशन में बैड कंडीशन था, इसका इंजन जो सीज हो गया था उसको फिर से यहाँ पे बनाया गया। तो कितने दिन में भैया ये इंजन पूरा तैयार? इंजन मैंने खड़ा किया 4 दिन में पूरा गाड़ी कम्प्लीट किया। 4 दिन मैक्सिमम, आप सोचते हैं कि 5 दिन में आपका गाड़ी जो बिल्कुल फुल्ली कंडीशन में आ जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी मेजर प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम तो होता है इंजन का, जो कि इंजन मैक्सिमम 5 दिन में आपका कम्प्लीट बन के तैयार हो जाएगा, अपनी गाड़ी को घर ले जा सके। तो एवरेज यही था 5 दिन मान के चलिए। और बजट सारा कुछ, बजट का बात जो होगा वो आपको मैं कॉल पे नंबर एक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप बात कर सकते, क्योंकि अपेली यहाँ पे सारा कुछ बजट नहीं बताता, क्योंकि पहले गाड़ी को देखा जाता है, तो गाड़ी देख के ही उसका बजट बताया जाता है। अगर इंजन का पूरा काम हो तो गाड़ी देखने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी बजट अगर बनाएंगे तो इंजन का जैसे हाफ काम है या फिर उसका ऊपर का काम है, टापा का काम है, कितना कुछ उस हिसाब से। तो आप अपना बजट भी मान लीजिए कि अगर आपका इंजन सीज हुआ है तो उस हिसाब से आप लोग जो शोरूम में प्राइस पड़ता है उससे आपको यहाँ पे चीप एंड बेस्ट में प्राइस मिल जाएगा। बहुत कम। हाँ, तो चलिए दोस्तों बस यही चीज़ आपको बताना था। हाँ दोस्तों, तो मैं जो फाइनली घर आ चुका गैरेज से, सारा कुछ मैंने तुम लोग को गैरेज में दिखाया। आई होप तुम लोग को सारा कुछ पता चलेगा। यहाँ पे तुम कोई भी काम करो, अगर तुम लोग को चीप एंड वेस्ट हो, अगर तुम वीडियो के माध्यम से जाओगे तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, तुम वहाँ से उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा गैरेज है, मैं भी वहाँ पे काम करवाता हूँ, चीप एंड वेस्ट में सारा काम तुम लोग का हो जाएगा बहुत ही अच्छा और कम टाइम में। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग वहाँ पे एक बार जरूर विजिट करोगे, और अपने भाई का नाम जरूर लेना, अपने चैनल का नाम लेना, तो तुम लोग को स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के अलविदा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।